नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। ऐसे में बिहार में वो मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री भी साथ में है वो। ऐसे में देखिए किस तरीके से एनडीए के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, दमखम के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। पहले तो वो बीजेपी को कह रहे थे कि हमें आप अपने गठबंधन में शामिल कीजिए। जब मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में भाव नहीं दिया गया तो वह अकेले अपने दम पर 65 सीटों पर चुनाव लड़े और एक सीट भी उनको उत्तर प्रदेश में नहीं आया, वो हार गए। ऐसे में अब देखिए लगातार जो उत्तर प्रदेश में हार के बाद अब बिहार में भी झटका देने के लिए तैयार हो रहे हैं मुकेश सहनी। बीजेपी को अब किस तरीके से वो झटका देंगे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि मुकेश सहनी लगातार गुणगान करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अब बता दें कि मुकेश सहनी ने बीजेपी को झटका देने के लिए MLC चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। वीआईपी पार्टी की तरफ से बाकायदा लिस्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर 4 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर रही है और रणनीति बना रही है। बीते दिनों राजद ने अपने तमाम जो लिस्ट है वो जारी किया था, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे तरफ चिराग पासवान ने भी लिस्ट जारी कर दिया है। लेकिन ये बातें कही जा रही थी कि NDA में मुकेश सहनी हैं, वो लिस्ट जारी नहीं करेंगे। NDA दल के नेता को, NDA दल के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन नहीं देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिस्ट जारी किया, कौन कौन से लिस्ट हैं, कहां से उम्मीदवार को उतारा गया है MLC चुनाव के लिए, हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर से श्री आदर्श कुमार को उतारा गया है, वहीं बेगूसराय एवं खगड़िया से श्री जय जय राम सहनी को उतारा गया है, वहीं सहरसा एवं भोजपुर एवं सुपौल से श्री चंदन कुमार को उतारा गया है, साड़न से श्री बालमुकुंद चौहान को उतारा गया है, रोहतास एवं कैमूर से श्री गोविंद बिंद को टिकट दिया गया है, पूर्णिया एवं अररिया एवं किशनगंज से श्री श्यामानंद सिंह को MLC को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दरभंगा से श्री वैद्यनाथ सहनी को टिकट दिया गया है। MLC चुनाव को लेकर के देखें किस तरीके से लगातार मुकेश सहनी भी अब दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि संतोष सहनी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी के भाई, उनका इसमें सिग्नेचर है। अब दमखम के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे बीजेपी के खिलाफ। जिस तरीके से आपको बता दें कि अब कुछ ही दिन में मुकेश सहनी का भी मंत्री पद जा सकता है, लगातार ये खबरें चल रही है, क्योंकि उनका जो MLC पद है MLC उनको रिन्यू नहीं करेगी बीजेपी। ऐसे में उनका मंत्री पद भी जा सकता है। बहरहाल तमाम जो खबरें हैं ये आ रहे हैं कि अब MLC चुनाव में मुकेश सहनी दमखम से बीजेपी के खिलाफ NDA प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।